राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जनपद बाराबंकी में आपने दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहराइच में आपका क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हैं बहराइच के विकलांगजनों के लिए? सर्वप्रथम मैं संक्षिप्त परिचय के साथ में बताना चाहेंगे कि मेरा नाम नागेश कुमार पटेल है। मैं वंश गोपाल राष्ट्रीय पुनर्वास ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने अभी मीडिया के माध्यम से ही देखा होगा कि बहराइच बाराबंकी में ट्राईसाइकिल वितरण से लेकर के विकलांग के अधिकारों के लिए हर स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार जनपद बहराइच में विकलांग, विधवा, वृद्ध व महिलाओं के विकासार्थ समस्त कार्य किए जाने हैं। सर्वप्रथम 1 फरवरी 2020 से जनपद बहराइच के अंतर्गत वंश गोपाल राष्ट्रीय पुनर्वास ट्रस्ट का प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत UDID कार्ड युक्त दिव्यांग एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की जानी है, जो जनपद बाराबंकी में 1 अगस्त 2019 से चल रही है, जिसका समापन 31 जनवरी 2020 में किया जा रहा है। उसके पश्चात आपके जनपद बहराइच में 1 फरवरी 2020 से 30 अगस्त 2020 तक किया जाएगा। तब तक जनपद के जितने भी विकलांग हैं उनके समस्त विकलांगजनों के UDID कार्ड जारी कराकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन तक अभी सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, या आप यह कहें कि उन लोगों तक अभी सरकारी योजनाएं की पहुंच से बाहर हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे अपनी टीम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सामूहिक जनसामान्य जनसहयोग के माध्यम से कि हम ऐसे लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाएं। और हमारा जो उद्देश्य है, हर अंतिम पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, उसे पूरा कर सके। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा है कि वंश गोपाल राष्ट्रीय पुनर्वास ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाता है, उसी क्रम में आज जनपद बहराइच से आप विजय कुमार पांडे को जिलाध्यक्ष बहराइच मनोनीत किया जाता है, जो समाज में विकलांगों, महिलाओं एवं ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करेंगे सामाजिक तौर पर, और ये उनकी हर लड़ाई लड़ेंगे। इसी के उद्देश्य से आपको जनपद बहराइच का कार्यभार दिया जा रहा है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ट्रस्ट के नियमों के अनुकूल ही कार्य करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पूरा प्रयास करूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पथ पे चलकर सभी दायित्वों को पूरा कर सकूँ। धन्यवाद।